हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉक एजुकेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं sec x एंड cos x के ग्राफ की। इससे पहले मैंने sin x, cos x, tan x एंड cot x के ग्राफ की बात के वीडियो बना दिए हैं, वो इसी चैनल पे मैथमेटिक्स सेक्शन में अपलोडेड है। और आज हम बात करेंगे sec x, किसकी बात करेंगे बेटा? एफ एक्स इक्वल टू sec x। किसकी बात करेंगे? एफ एक्स इक्वल टू sec इंटू एक्स। फंक्शन क्या है अपना? sec x इंटू sec x फंक्शन। इसके ग्राफ की बात करेंगे। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए अपने को cos x के ग्राफ को आना चाहिए। cos x का ग्राफ मैंने पहले पढ़ा दिया, उस ग्राफ कैसे होता देखना। पहले cos x का ग्राफ आना चाहिए, फिर हम sec x के ग्राफ की बात करेंगे। cos x का ग्राफ मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया था, cos x का ग्राफ मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया था पहले, ये 3π/2 क्या होता है बेटा? ये 3π/2, ये किसका ग्राफ है? cos x का ग्राफ है, जो मैंने इससे पहले लेक्चर में cos x sin x का ग्राफ पढ़ा दिया। अब बात करते हैं sec x। sec x होता क्या है? sec x होता है 1/cos x। क्या होता है बेटा? 1/cos x। अच्छा, 1/cos x फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आया, डिनोमिनेटर में क्या आया? cos x। और अपने को पता है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? जब cos x क्या हो? cos x जीरो। कब हो? जब cos x जीरो। अब जब cos x जीरो, sec x क्या होगा? अनडिफाइंड। क्या होगा? sec x अनडिफाइंड, जो उस x के लिए वो उसके डोमेन में नहीं आएगा। अच्छा, cos x कब जीरो होता है? cos x जीरो होता है π/2 पे, 3π/2, फिर आगे 5π/2, ऐसे -5π/2, -3π/2। इसको जनरल लिखते हैं, x इक्वल टू 2n+1π/2। मतलब क्या है? π/2 का क्या है? ये ऑड मल्टीपल। π/2 का क्या है? ऑड मल्टीपल। तो डोमेन की बात करेंगे sec x के, sec x के डोमेन की बात करेंगे, क्या आएगा? रियल नंबर आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? रियल नंबर आएगा, क्या नहीं आएगा? 2n+1π/2, 2n+1π/2। सर, n क्या होता है यहाँ पे? n मैंने पहले भी sin x cos x के ग्राफ में बता दिया है कि n क्या होता है, n इंटीजर होता है। क्या होता है बेटा? इंटीजर। तो जो sec x का ग्राफ होगा ना, sec x का ग्राफ सब पॉइंट पे बनेगा, सभी x पे, सिर्फ किस पे नहीं बनेगा? पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब sec x उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता। अच्छा, बनाते कैसे हैं? आपने बताया सर cos x का ग्राफ होना चाहिए। हाँ, cos x का ग्राफ आना चाहिए। करते क्या है? बहुत सिंपल है। जिस पॉइंट पे cos x जीरो हो रहा है, उस पे क्या ड्रा कर लो? एक वर्टिकल लाइन। क्या ड्रा कर लो? एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो। पक्का वर्टिकल लाइन ड्रा करना अपने को आता है। यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी क्या ड्रा कर लेंगे? एक वर्टिकल लाइन। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? एक वर्टिकल लाइन। अब क्या करेंगे? अब cos x का ग्राफ इधर है, इसी का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से ऊपर लेंगे। कहां ले लेंगे? ऊपर। क्या होगा ये? फिर यहां से रिफ्लेक्शन नीचे आ जाएगा। इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा। पक्का? तो ये किसका ग्राफ होता है? cos sec x। ये किसका ग्राफ मैंने बना दिया? sec x का। अपने को cos x का ग्राफ नहीं चाहिए, cos x का ग्राफ नहीं चाहिए। किसका ग्राफ चाहिए? sec x का। sec x का ग्राफ मैं जिगजैग बना दूं। ये किसका ग्राफ है बेटा? ये sec x का ग्राफ है। किसका? sec x का। क्या किया हूं मैं कुछ किया नहीं हूं, मैंने बस cos x का ग्राफ मुझे पता था। क्या पता था बेटा? cos x का ग्राफ पता था। बस मैंने cos x का रिफ्लेक्शन एक ऊपर ले लिया और इधर से नीचे। पक्का? ये किसका ग्राफ आ गया? sec x का। ये ग्राफ आगे भी कंटिन्यू होगा और इधर भी कंटिन्यू होगा। अब मैं इस ग्राफ में cos x sec x एक साथ बना, मैं एक अलग फिगर लेके sec x का ग्राफ बहुत अच्छे से बनाता हूँ। देखना क्या करता हूँ।
ये क्या है बेटा एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, क्या है वाई एक्सिस पक्का। अब पहले क्या आएगा पाई बाई टू, क्या आएगा पहले पाई बाई टू, पाई बाई टू पे जीरो था कॉस एक्स तो पाई बाई टू, फिर थ्री पाई बाई टू, फिर फाइव पाई बाई टू, फिर देखना इधर माइनस पाई बाई टू, फिर माइनस थ्री पाई बाई टू। ठीक है, मैं पॉइंट नोट कर दे रहा हूं, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, जीरो ओरिजिन जिसे बोलते हैं माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू पक्का, माइनस थ्री पाई बाई टू ये आ गया। अब इसमें बात करते हैं ये कौन से पॉइंट, मैंने किस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, कोई बताएगा मेरे को? हाँ, ये वो पॉइंट है जिसपे कॉस एक्स क्या होता है बेटा, जीरो। अभी बोल रहा था कॉस एक्स कब जीरो होता है, जब पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल हो, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल थ्री इंटू पाई बाई टू, फिर फाइव इंटू पाई बाई टू, सिंपल। अब मैं फिर क्या बोला था कि हाँ जीरो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है, और ये पॉइंट है वन, क्या पॉइंट है वन, तो इस पे sec x का ग्राफ ऐसे वर्टिकल आएगा और ऐसे चला जाएगा पक्का। फिर यहाँ पे आता है माइनस वन, क्या आता है बेटा माइनस वन, cos x का ग्राफ ऐसे यहाँ पे आता है, फिर ये हाँ एक सेकंड, यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन, क्या आएगा माइनस वन, तो इस पॉइंट पे ग्राफ ऐसे बनेगा, फिर यहां पे फिर ये सेम चीज रिपीट होगा वन, फिर ग्राफ इसका या इस साइड इधर बनेगा, फिर ये सेम ग्राफ यहां पे रिपीट होगा, ये आएगा, ये किसका ग्राफ है sec x का ग्राफ है, कहां पे अब मैं इस ग्राफ में बात करूंगा कि यहाँ sec x के डोमेन की बात कर लिया हूं, क्या होता है सारे रियल नंबर, क्या नहीं होता है 2n plus 1 pi by 2 नहीं होता, मतलब ऑड मल्टीपल नहीं होता है। फिर बात क्या करूंगा और क्या क्या चीजें डिस्कस की जा सकती हैं, डिस्कस की जा सकती है इसकी रेंज की, किसकी इसके रेंज की बात करेंगे, तो पहले बात करते हैं इसके रेंज की, किसकी रेंज की, मैं यहाँ रेंज लिख दे रहा हूं, रेंज मतलब क्या है फंक्शन किस किस वैल्यू को वैल्यू क्या क्या वैल्यू प्राप्त होती है फंक्शन की, क्या वैल्यू हो सकती है वही उसका रेंज होता है। अब वो ग्राफ से कैसे देखते हैं, जिस पॉइंट पे ग्राफ एग्जिस्ट करेगा वो उसके रेंज में आएगा पक्का। तो मैं अगर बात करूं तो ये ग्राफ देखना, यहां से अगर स्टार्ट किया गया माइनस इंफिनिटी, ये क्या होता है बेटा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, कहां तक माइनस वन, और ये माइनस वन पे एग्जिस्ट करेगा ठीक है, माइनस वन और प्लस वन के बीच में ग्राफ नहीं है, तो मतलब इसके रेंज में माइनस वन और प्लस वन के बीच की वैल्यू नहीं आएगी। फिर कहां से कहां तक आएगी, वन से इनफाइनाइट, कहां से कहां तक वन से इनफाइनाइट, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट, वन टू इनफाइनाइट, इसके रेंज की बात हो गई। इसको भी दूसरे तरीके में बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं आर माइनस माइनस वन कामा वन, क्या माइनस कर देंगे बेटा सारे रियल नंबर में से वन और माइनस वन के बीच वाले वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये इसका रेंज आएगा। फिर बात करते हैं इसके पीरियड की, किसकी पीरियड की, किसकी पीरियड की, देखना ये पॉइंट यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ और यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ सेम पॉइंट से, तो इनके बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस क्या आएगा बेटा टू पाई, क्या टू पाई, क्या आएगा बेटा टू पाई, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो क्या होता है टू पाई, क्या होता है बेटा टू पाई, sec x का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है टू पाई। अब मैं कुछ और बात करूंगा, कुछ बात जो करूंगा, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन दिख रही है तुमको, अच्छा ये डॉटेड लाइन कुछ मैंने बताया था क्या tan x के राम में ऐसा कुछ, क्या इस लाइन को क्या बोलते हैं जब कर्व और एक लाइन इनफाइनाइट को टेंड करे लेकिन कभी मीट ना करे, अच्छा कुछ बताया तो था सर लेकिन क्या बताया था, क्या बताया था मैंने बताया था ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं बेटा एसिम्प्टोट, क्या बोलते हैं एसिम्प्टोट, इस लाइन का नाम होता है एसिम्प्टोट,
ठीक है। अब एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, बहुत सिंपल है। अगर इस एसिम्प्टोट की बात करें तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 3π/2, इसकी इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू 5/2, पक्का। ऐसे सारे एसिम्प्टोट की इक्वेशन लिख लोगे तो ये इसका टोटल ग्राफ, टोटल ग्राफ बहुत अच्छे समझ में आएगा। सिर्फ मैंने क्या किया, cos x के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करा दिया ऊपर और नीचे, फिर रेंज बता दिया, रेंज की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, वन से इनफाइनाइट, पीरियड क्या होगा 2π, और इसके एसिम्प्टोट क्या होते हैं x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये अपना फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, कौन सा, साइन x, कॉस x, टेन x, कॉट x, sec x। अब बच्चा क्या है, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या होता है, cos x, क्या होता है cos x। तो जैसे मैंने ये बताया कि पहले cos x का ग्राफ आना चाहिए तब sec x का ग्राफ आ जाएगा, वैसे सेम टू सेम पहले साइन x का ग्राफ आना चाहिए फिर क्या आ जाएगा, cos x। तो बात करते हैं पहले cos x के ग्राफ की, देखना क्या है, cos x के ग्राफ की। अब इसका डोमेन भी क्या होता है, डोमेन सेम, कब cos x होता है 1/sin x, क्या होता है 1/sin x, साइन x जब जीरो होगा तब इसका डोमेन नहीं आएगा। साइन x जीरो कब होता है, जब साइन x जीरो x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई पे जीरो होता है। तो cos x में बोला क्या होता है बेटा, 1/sin x, तो cos x डिफाइन करेगा जब जब साइन x जीरो ना हो, साइन x जीरो कब होगा n पाई पे, तो इसका डोमेन, डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर बस क्या नहीं होगा n पाई, क्या n पाई, फिर मैं बताऊंगा n क्या होता है बेटा, इंटीजर, क्या होता है इंटीजर, n की वैल्यू कुछ भी ले लो, वो n की वैल्यू 1 तो पाई नहीं होगा, n की वैल्यू 2 पाई नहीं होगा, n की वैल्यू 0 तो जीरो नहीं होगा। तो इसका डोमेन की बात होगी। अब ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात करने के लिए पहले मैं बात करूंगा साइन एक्स ग्राफ की, किसकी, साइन एक्स ग्राफ की। ठीक है, अब साइन एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है, जीरो से पाई और माइनस पाई से जीरो, ऐसे होता है। अब इस ग्राफ को क्या करना है, इस ग्राफ को फिर क्या करना है, जहां पे जीरो होगा कॉस एक्स के ग्राफ के लिए, जहां पे भी जीरो होगा वहां पे क्या ड्रॉ कर लो, एक वर्टिकल लाइन, वहां पे क्या ड्रॉ कर लो, एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, जहां जहां जीरो होगा वहां पे क्या ड्रॉ कर लो, एक वर्टिकल लाइन, जैसे मैंने कॉस एक्स के ग्राफ में बोला था वैसे यहां पे बोलूंगा, फिर इसका आगे और इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा। मैं कॉस एक्स के ग्राफ को, साइन एक्स के ग्राफ को पूरा कंप्लीट कर देता हूं, साइन एक्स का ग्राफ इधर आगे जाएगा ऐसे और ऐसे, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा पाई, ये 2π, जीरो, माइनस पाई और माइनस 2π, बढ़िया है। अब फिर क्या करते हैं, जैसे मैंने sec x के ग्राफ में क्या था, क्या था, ऊपर वाले ग्राफ का रिफ्लेक्शन ऊपर, नीचे वाले का नीचे, सेम टू सेम इसमें भी करेंगे, देखना क्या कर रहा हूं मैं, इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन मैं ऊपर क्या किया, ऊपर ले लिया, यहां का नीचे, फिर सेम टू सेम रिपीट होता चला जाएगा, रिपीट क्या होगा देखते रहना, यही ग्राफ रिपीट हो गया, पक्का। तो जो हमारा cos x का ग्राफ है, cos x का ग्राफ मैं जिगजैग कर दे रहा हूं, ये cos x का ग्राफ है, तो ये कैसे बना, किसकी हेल्प ली है हमने, sin x की, किसकी हेल्प, sin x। तो अपने को पहले पता होना चाहिए sin x का ग्राफ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, sin x, क्या आना चाहिए बेटा, sin x। और जिसको sin x का ग्राफ नहीं आता है वो पहले, मैंने वीडियो बना दिया है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, पहले वो वीडियो देखे फिर इस वीडियो पे आ जाएगा, तो उसको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। अब ये किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ हो गया है, मैंने जिगजैग कर दिया कॉस एक्स के ग्राफ को, और ये लाइन क्या है, साइन एक्स की ग्राफ है। अब बात करते हैं इसके रेंज की, रेंज की बात फिर वही करूंगा कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, ये पॉइंट क्या है बेटा, माइनस वन, और ये पॉइंट क्या है, वन। तो रेंज की बात करता हूँ, रेंज यहां लिख देता हूँ, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन वन से इनफाइनाइट, ये रेंज हो गया। फिर बात करते हैं पीरियड, पीरियड में फिर देखते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक ये इसका पीरियड होगा, क्योंकि इस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट से यहाँ पे भी सेम पोजीशन से ग्राफ स्टार्ट हुआ। ये मैंने पीरियड की डिफिनेशन बता रखी है। पीरियड क्या होगा? 2π। पीरियड क्या होगा? 2π। अच्छा, पीरियड हो गया। फिर इसमें भी वर्टिकल लाइन आएगा जहाँ पे ग्राफ या फंक्शन का ग्राफ, कॉसेक्स का ग्राफ वर्टिकल लाइन को इनफाइनाइट पे टेंड करेगी लेकिन कभी टच नहीं कर पाएगी, तो उसी को बोलेंगे क्या? एसिम्प्टोट। क्या बोलेंगे? एसिम्प्टोट। इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? पाई। x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 2π, फिर x इक्वल टू 0। तो ये किसके ग्राफ हो गए? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 2π, किसके ग्राफ है बेटा? एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट किस किस के ग्राफ में आता है? साइन एक्स के ग्राफ में आता है? नहीं। कॉस एक्स के ग्राफ में आता है? नहीं। टेन एक्स के ग्राफ में आता है? कॉट एक्स के ग्राफ में आता है? फिर सेक एक्स के ग्राफ में आता है? फिर कॉस एक्स के ग्राफ में आता है? ठीक है, तो मैं किस किस ग्राफ की बात किया हूँ? किसके? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट सेक, कॉस एक्स। ये क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फंक्शन के ग्राफ है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फंक्शन के ग्राफ है। फिर मैंने इसमें बात किया, इनके डोमेन की बात किया, फिर इनके रेंज की, फिर पीरियड, और किस किस ग्राफ में एसिम्प्टोट होगा और उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे अलजेब्रिक फंक्शन के ग्राफ, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ, फिर इसी कड़ी में आगे चलते चलते मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम पार्ट फंक्शन, इस कड़ी में हमारा ग्राफ कवर हो जाएगा। जो बेसिक ग्राफ है, बेसिक ग्राफ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये कैलकुलस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस टोटल ग्राफ पे डिपेंड है, अगर ग्राफ तुमको नहीं आ रहा तो कैलकुलस नहीं आएगी। तो ये ग्राफ की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ गया तो कैलकुलस 50% कैलकुलस खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ये ग्राफ को सही से बनाओ, इसके नोट्स बनाओ, फिर मैं मिलते हैं कल, जहां बात करेंगे हम अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ, क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ क्या होते हैं, फिर इसके बाद में बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है बेटा, धन्यवाद।